हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और इस चैनल में हम बात करते हैं इंडियन बिजनेसेस की मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग के बारे में। हम आपके बिजनेस को ले जाते हैं ऊपर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं, अधिकतर मैं फेस करता हूँ, वो ये होता है कि यार, हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है कि पता नहीं वो चलेगा या नहीं चलेगा। बिजनेस की सक्सेस एक सबसे बड़ा पॉइंट है, एक सबसे बड़ा डर है जो लोगों को अपना ग्रेट आइडिया इनैक्ट करने से रोकता है। वेल, काश ऐसा होता कि आप अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को, अपने बिजनेस की ग्रोथ को हैक कर पाते तो। वेल, एक्चुअली शॉन एलिस ने 2010 में एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, ग्रोथ हैकिंग। हाँ, ये वाली हैकिंग नहीं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाली हैकिंग। तो चलिए आज जानते हैं ग्रोथ हैकिंग के बारे में और बात करते हैं कि कैसे आप इसे अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए यूज कर सकते हैं। वो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने बिजनेस के आइडिया को परखिए कि क्या वो किसी कंज्यूमर ग्रुप के एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर ये किसी कंज्यूमर ग्रुप की एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है तो आपके प्रोडक्ट को, आपके आइडिया को थोड़ा और ट्वीक करने की जरूरत है, उसे आइट्रेट करने की जरूरत है और आप उसे इस तरह से इवॉल्व कीजिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ग्रुप को फोकस करता हो। एक जनरल आइडिया पर बना हुआ प्रोडक्ट बहुत बड़े कंज्यूमर बेस को फोकस जरूर कर सकता है लेकिन उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें आपको बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर्स के एक बहुत छोटे से ग्रुप को फोकस करता है लेकिन उनकी किसी एक खास प्रॉब्लम को एग्जैक्टली टारगेट कर रहा है, वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के बीच में अपनी पहचान बना लेगा और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर लें तो आप उसे सॉफ्ट लॉन्च फेस में डालिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपका बिजनेस आइडिया एकदम परफेक्ट है रियल मार्केट में जाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी जिनको आप धीरे धीरे फैन आउट कर सकते हैं, धीरे धीरे आयरन आउट कर सकते हैं। और आपको ये इसके बारे में सबसे अच्छा फीडबैक कौन दे सकता है? आपके वो कस्टमर्स जो आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पे कर रहे हैं। सो आप सॉफ्ट लॉन्च कीजिए एक क्लोज यूजर ग्रुप के बीच में और जो भी लोग उसके ऊपर फीडबैक दे रहे हैं उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट को लगातार डेवलप करते जाइए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप छोटे छोटे माइलस्टोन अपने बिजनेस के लिए सेट कीजिए। अगर आप एक साथ 1 लाख के कंज्यूमर बेस को टारगेट करेंगे या 1 करोड़ 2 करोड़ के टर्नओवर को टारगेट करेंगे फर्स्ट ईयर में तो मे बी दैट इज अ टफ वन, लेकिन अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन अपने बिजनेस के लिए सेट करेंगे तो आप उन्हें इजीली अचीव कर पाएंगे और आपकी टीम, आपका खुद का मोरल बूस्ट होता रहेगा और आपको बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट इज दैट आस्क योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए, आप अपने कस्टमर्स को पूछिए कि उन्हें आपके प्रोडक्ट में और क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। आप अपने स्टाफ को इनकरेज कीजिए कि वो आपके कस्टमर से, आपके क्लाइंट से ऑनेस्ट फीडबैक लें। नेगेटिव फीडबैक या जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके 8 to 10 के बीच की रैंकिंग लेना, दैट्स रियली नॉट वेरी हेल्पफुल थिंग। अगर आपको वो ऑनेस्ट फीडबैक देंगे तो आपको पता लगेगा कि आप किस जगह पे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा उसे एंजॉयबल, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस अपने कंज्यूमर के लिए बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 95% तक स्टार्टअप अपने कॉन्सेप्शन से 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कैश बर्नआउट। जिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके, जिस इनिशियल सम को लेके वो लोग स्टार्ट करते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी सारी जगह पर, हर जगह पर फैलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। सो आपको टारगेट करना चाहिए कि पहले, जैसे मैंने बताया कि आप किसी एक कंज्यूमर खास ग्रुप को लेकर टारगेट कीजिए, उनकी उनके ऊपर अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को डेवलप कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट को आइट्रेट कीजिए, उसको और इम्प्रूव कीजिए। इसके बाद एक बड़े लार्जर स्केल पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, उनके फीडबैक को लेके अपने प्रोडक्ट को लगातार डेवलप करते रहिए। ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी, पीपल कनेक्ट विद अ स्टोरी। आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को लेके एक स्टोरी डेवलप कीजिए कि ये किस तरह से कॉन्सेप्शन में आया एंड हाउ यू प्लान टू सॉल्व योर कस्टमर्स प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्ट और विद योर सर्विस। और जब ये सारे स्टेप हो जाएं, इसके बाद आप अपने बिजनेस को स्केल अप कीजिए। स्केल अप करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग इस स्केल अप ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब अगर आप एक छोटा स्टार्टअप है, आपके पास मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पर ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं है, तो आजकल फ्री रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अफोर्डेबल रहता है। आप फ्री रिसोर्सेज का यूज करके मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में खुद ही सीख सकते हैं और उन फ्री रिसोर्सेज में से एक हमारा चैनल भी है। और अगर आप थोड़ा सा बजट अफोर्ड कर सकते हैं, अपने आप बिजनेस को और स्केल अप, जल्दी स्केल अप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल उसे हैंडल करें,
तो आप किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग टीम की भी, किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी की हेल्प भी ले सकते हैं. वेल अगेन आई हैव टू मेक अ सेल्स पिच फॉर माय ओन कंपनी. आप www.amittiwari.net पर जाकर अपने स्टार्टअप की मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं हमसे. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई होप आप अपने स्टार्टअप के आइडिया के बारे में और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आपका जो नेक्स्ट आइडिया है वो श्योर सक्सेसफुल होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, वरना दूसरा स्टार्टअप आइडिया आप वीडियो देख लेगा. राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.